Hey guys, welcome back to my channel Forma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start our new video on equipment used for drying. So today we are gonna cover about the spray dryers. So I will cover the principle, construction, working, application, merits and demerits of a spray dryer. For my previous video on the chapter drying, you can check the link in the description box or you can click on the I button also. Let's talk about the spray dryer. So first we will talk about the principle of a spray dryer. So in a spray dryer, जो fluid अपन dry करते हैं वो atomized होता है into a fine droplet which are thrown radially into a moving stream of hot gas. तो जब भी आप एक moving stream pass करवाते हो hot gas की, तो उसके through वो radially thrown होती है. सो जो हीटिंग मीडियम अपन यूज़ करते हैं दैट इज़ हॉट एयर वी आर यूजिंग एज अ हीटिंग मीडियम. सो इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ द मटीरियल दैट इज़ डायरेक्ट ड्राइंग होती है इसमें जो टेक प्लेस करता है वो डायरेक्ट ड्राइंग मेथड से टेक प्लेस करती है ड्राइंग. और जो टेम्परेचर होता है ड्रॉपलेट का वो इमीडिएटली इंक्रीज हो जाता है क्योंकि अपन ने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा डिक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा आपका जो रेट ऑफ ड्राइंग होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. तो अपन ऑटोमाइजेशन करवा रहे हैं इसमें फाइन ड्रॉपलेट जो भी जिस भी लिक्विड को अपन को ड्राई करवाना है उसके फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में इंटर करवा रहे हैं और हॉट एयर को पास करवा रहे हैं. तो ऑब्वियस बात है कि वो जो ड्राई होगी वो फटाफट हो जाएगा आपका मटेरियल ड्राई. और स्पेरिकल रहता है शेप में पार्टिकल, तो वो सबसे छोटा साइज़ रहता है जो स्पेरिकल शेप रहता है. तो उसमें जो ड्राइंग की कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और इंटेंस बोल सकते हो आप कि इंस्टेंटेनियसली यू कैन ड्राई योर मटेरियल. सो ड्राइंग जो टेक प्लेस करती है वो सिंपल इवोपरेशन मेथड के थ्रू टेक प्लेस करती है रादर देन ऑफ द बॉइलिंग. तो आपको मालूम ही है कि जब बॉइलिंग होती है तब इवोपरेशन टेक प्लेस नहीं करता है. सो बिलो बॉइलिंग पॉइंट द इवोपरेशन टेक प्लेस. सो फ्यू सेकेंड्स में ही आपको जो आपके ड्रॉपलेट्स रहते हैं वो ड्राइड हो जाते हैं और यू कैन गेट योर मटीरियल इन अ ड्राइड फॉर्म. Now let's talk about the construction of spray dryer. So basically it is consist of a large cylindrical drying chamber जिसमें कि एक short conical bottom होता है और ये basically आपका stainless steel से बना हुआ रहता है. जो chamber है उसका diameter रहता है 2.5 to 9 meter और जो height रहती है वो रहती है 25 meter या इससे भी ज़्यादा वो height रह सकती है. और जो inlet रहता है तो इनलेट के थ्रू हॉट एयर पास होती है चैम्बर में फ्रॉम द रूफ एंड एक और इनलेट प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से जिस पे आपकी स्प्रे डिस्क अटैच होती है. वी कैन कॉल इट एज अ ऑटोमाइज़र. तो ऑटोमाइज़र की हेल्प से ही आपके जो भी लिक्विड जिसको ड्राई करवाना है वो स्प्रे फॉर्म में इस चैम्बर में इंटर करता है. सो द स्प्रे डिस्क ऑटोमाइज़र इज़ अबाउट 300 मीटर इन डायमीटर एंड ये जो रोटेट करता है वो 3,000 to 50,000 RPM तक रोटेट कर सकता है पर मिनट. सो जो बॉटम रहता है इस ड्रायर का वो आपका साइक्लोन सेपरेटर से कनेक्टेड रहता है. तो ये इसका और जो साइक्लोन सेपरेटर है वो बेसिकली आपका जो भी डिस्चार्ज बीन होता है उसके साथ में कनेक्टेड रहता है जिसके थ्रू आप जो भी मटेरियल ड्राइड हुआ है उसको उस डिस्चार्ज बीन में आप कलेक्ट कर सकते हो ड्राई प्रोडक्ट को. जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि एक आपका कोनिकल चैम्बर है जो कि बॉटम में बहुत ज़्यादा ऐसा स्मॉल रहता है और ये आपका साइक्लोन सेपरेटर से कनेक्टेड है. यहाँ पर आपका डिस्चार्ज बीम है जिसमें कि ड्राई प्रोडक्ट आप कलेक्ट कर सकते हो और हॉट एयर पास करवाने के लिए आपके पास में एक इनलेट होता है एक ऑटोमाइज़र होता है जिसके थ्रू जो भी लिक्विड आप फीड करवाते हो तो वो स्प्रे फॉर्म में यहाँ से चैम्बर में इंट्रोड्यूस होता है. तो यही इसका कंस्ट्रक्शन होता है. Now let's talk about the working of that spray dryer. So basically जो spray dryer होता है उसमें drying के लिए तीन main stages होती हैं जिसमें कि सबसे पहले ऑटोमाइजेशन होता है लिक्विड का, फिर मिक्सिंग होता है ड्रॉपलेट का, फिर drying होता है लिक्विड ड्रॉपलेट का, उसके बाद में रिकवरी होती है ड्राई प्रोडक्ट की. तो फर्स्ट पॉइंट इज़ द ऑटोमाइजेशन ऑफ द लिक्विड. तो जो ऑटोमाइजेशन होता है लिक्विड का तो फीड अपन इंट्रोड्यूस करते हैं थ्रू द ऑटोमाइज़र आइदर बाय ग्रेविटी और बाय यूजिंग अ सूटेबल पंप.
सो उसके बाद में ये फाइन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है और जो प्रॉपर्टीज़ रहती है फाइनल प्रोडक्ट की वो डिपेंड करती है ऑन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। सो जो ऑटोमाइजर्स रहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि न्यूमेटिक ऑटोमाइज़र, प्रेशर नोजल टाइप का ऑटोमाइज़र रहता है या स्पिनिंग डिस्क ऑटोमाइज़र रहता है। तो यू कैन यूज़ दैट ऑटोमाइज़र बेस्ड ऑन योर मटेरियल की मटेरियल कैसा है और किस टाइप के मटेरियल को आपको ड्राई करवाना है, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का ऑटोमाइज़र आप यूज़ कर रहे हो। सो जो रेट ऑफ द फीट इज़ एडजस्टेड इन सच ए वे दैट द ड्रॉपलेट शुड बी कम्प्लीटली ड्राई बिफोर रीचिंग वॉल ऑफ ड्राइंग चैम्बर। तो ड्राइंग चैम्बर तक जब तक पहुँचे तब तक आपका जो मटेरियल रहता है वो पूरी तरीके से ड्राई होना चाहिए। तो ऐसे आपको फीट का जो रेट रहता है ऐसे आपको इंट्रोड्यूस करना होता है। नाउ जो नेक्स्ट चीज़ रहती है दैट इज़ आपका मिक्सिंग ऑफ ड्रॉपलेट होता है या जो ड्रॉपलेट रहती है वो एक तरीके से हॉट एयर के साथ में मिक्स होती है। फिर उसके बाद में आता है आपका ड्राइंग ऑफ द लिक्विड ड्रॉपलेट। तो लिक्विड ड्रॉपलेट रहती है तो फाइन ड्रॉपलेट जो रहती है वो ड्राइड होती है इन द ड्राइंग चैम्बर बाय सिंपली सप्लाइंग द हॉट एयर थ्रू दैट इनलेट। सो जो लिक्विड का सरफेस रहता है लिक्विड ड्रॉप का वो ड्राइड हो जाता है इमीडिएटली टू फॉर्म अ ट्रफ शेल। फिर फर्दर जो ड्राइंग होती है लिक्विड के जो इनसाइड अगर कुछ मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है तो बाय डिफ्यूजन थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू उसकी ड्राइंग होती है। एट द सेम टाइम आपका हीट ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड जिसकी वजह से जो डिफ्यूजन रेट रहती है वो आपकी लेसर हो जाती है देन दैट ऑफ द ड्राइंग रेट जो रहती है वो ग्रेटर टेक प्लेस करती है। सो इस रिज़ल्ट की वजह से हीट जो रहती है इनसाइड द ड्रॉपलेट वो लिक्विड को जो रहती है वो इवोपरेट कर जाती है और आपका जो मटेरियल रहता है वो पूरी तरीके से ड्राइड हो जाता है। तो अब क्या होता है कि शेल की जो थिकनेस रहती है वो अगर डिक्रीज़ होती है तो वेयर अ परमेबिलिटी ऑफ द वेपर इंक्रीजेस। तो डिपेंड करता है कि शेल की थिकनेस कितनी है, अगर थिकनेस ज़्यादा होगी तो परमेबिलिटी कम होगी और थिकनेस अगर कम होगी तो परमेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी और इससे आपकी ड्राइंग जो रहेगी वो फटाफट हो जाती है। अब नेक्स्ट रहता है आपका रिकवरी ऑफ ड्राइड प्रोडक्ट। तो जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स की हेल्प से जो ऑटोमाइज़र रहता है वो ड्रॉपलेट को हेलिकल पाथ फॉलो करता है ड्रॉपलेट और पार्टिकल्स जो रहते हैं वो ड्राई होने के बाद में उनकी जर्नी को फाइनली कंप्लीट करते हैं और कॉर्निकल के बॉटम में आ जाते हैं। फिर बॉटम में आने के बाद में ऑल दिस प्रोसेस मतलब सिंपली इस प्रोसेस को कम्प्लीट होने के लिए आपको कुछ सेकेंड्स ही लगते हैं। फिर जो पार्टिकल साइज आपके फाइनल प्रोडक्ट में जो ऑब्टेंड होते हैं वो 200 to 500 μm रेंज तक यू कैन गेट योर पार्टिकल्स। और जो पार्टिकल साइज रहती है वो डिपेंड करती है सॉलिड कंटेंट पे भी कि किस तरीके का सॉलिड कंटेंट और किस साइज़ का सॉलिड कंटेंट आपने उसमें फिट करा है। और लिक्विड की विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, फीड रेट पे डिपेंड करता है, डिस्क की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली जो स्प्रे ड्रायर रहता है उसकी कैपेसिटी होती है 2000 kg पर आवर तक वो ड्राई करवा सकता है आपके मटेरियल को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्प्रे ड्रायर। तो बेसिकली जो भी प्रोडक्ट रहता है वो अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो यू कैन ड्राई योर प्रोडक्ट कंटिन्यूसली बाय ड्राइंग कंप्लीट विद इन 300 सेकेंड्स में ही आप ड्राई कर लेते हो और लेबर कॉस्ट जो होती है वो बहुत ही कम होती है। फिर उसके बाद में जो भी प्रोडक्ट आपको मिलता है वो यूनिफॉर्म और कंट्रोलेबल साइज़ का मिलता है क्योंकि ऑटोमाइजर के थ्रू यू कैन एडजस्ट योर साइज़ ऑफ द पार्टिकल। फिर जो फाइन ड्रॉपलेट्स रहती है फ्रॉम प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर हेड एंड मास ट्रांसफ़र। हेड एंड मास ट्रांसफ़र नहीं, इट इज़ लाइक अ हीट एंड मास ट्रांसफ़र के लिए बहुत ही अगर आपका सरफेस एरिया जो रहेगा वो लेस रहेगा तो हीट और मास ट्रांसफ़र जो रहेगा वो जल्दी टेक प्लेस करेगा। सो जो प्रोडक्ट एक्सेलेंट सॉलिबिलिटी शो करते हैं उनके लिए जो स्प्रे ड्राइंग मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेथड है। फिर आइदर सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस और थीन प्लेट कैन बी ड्राइड इन वन स्टेप टू गेट अ फाइनल प्रोडक्ट रेडी फॉर द पैकेज। तो सस्पेंशन और सॉल्यूशंस को भी और थिन प्लेट्स वगैरह जो रहती है उनको ड्राई अगर करना है तो आप इजीली ड्राई करवा सकते हो और ऐसे ड्राई करवा सकते हो कि वो रेडीली अवेलेबल होते हैं आपके पैकेजिंग के लिए। उसके बाद में
जो स्ट्रायल प्रोडक्ट रहता है उनकी ड्राइंग और रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट आपका इजीली आप करवा सकते हो इसमें। फिर जो ग्लोबल्स रहते हैं इमर्शन के, उनको भी आप ड्राई कर सकते हो विद द डिस्पर्स फेज इनसाइड एंड लेयर ऑफ द कंटीन्यूअस फेज आउटसाइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस। तो बेसिकली ये मशीन जो रहती है बहुत ही ज़्यादा बल्की और एक्सपेंसिव होती है, सो एक तरीके से ये डिसएडवांटेजेस है। और उस ह्यूज मशीन को ऑपरेट करना भी इजी नहीं होता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। फिर जो थर्मल एफिकेसी होती है उसकी बहुत ज़्यादा लो होती है, तो जो हीट लॉस होने के चांसेस जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर अगर यूजर्स की बात की जाए तो द प्रोडक्ट इज़ बेटर फॉर्म देन ऑप्टेन बाई एनी अदर ड्रायर। तो प्रोडक्ट जो ऑप्टेंड होता है आपको बहुत अच्छी तरीके से ड्राइड होकर ऑप्टेंड होता है दूसरे ड्रायर की बजाय। और जो क्वांटिटी होती है वो भी लार्ज होती है, और थर्मोलाइबल मटेरियल को भी आप इसमें ड्राई कर सकते हो। जो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं या केमिकल डिकम्पोजिशन होने के चांसेस होते हैं उन मटेरियल को भी आप इसमें ईजिली ड्राई करवा सकते हो। तो कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको आप स्प्रे ड्रायर के थ्रू ड्राई करवा सकते हो, दे आर सिट्रिक एसिड, जिलेटिन, बेरियम सल्फेट, डिटर्जेंट, मिथाइल सेलुलोज, फेरस सल्फेट, पेप्सिन, वैक्सीन, पेनिसिलिन, कैल्शियम सल्फेट, अकेशिया, बोरेक्स, फ्रूट जूसेस, सल्फर, ब्लड, पेनक्रियाटिन, हार्मोन, क्लोरोमापिनिकॉल, सोडियम फॉस्फेट, कुछ भी एक्सट्रैक्ट्स हुए उनको आप ड्राई करवा सकते हो। मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट को ड्राई करवा सकते हो, लैक्टोज, प्लाज्मा, वाइटामिन, सीरम, स्टार्च, तो ये सब प्रोडक्ट को आप इजीली स्प्रे ड्रायर के थ्रू ड्राई करवा सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ एज मच एज यू कैन विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।